ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के बीच जिन्ना भी साढ़े तरफ योगदान उठे बैठे ने आने वाले टाइम से असि जनता दरबार लाना विजयपुर के ऑफिस बनाया उसे उन्हें लोग आइए उसे बैठ सकते हैं अपने प्रॉब्लम दसन कई मसले हल करके हफ्ते हर तीन दिन जो जनता दरबार लाना है अपने उसे ऑन द स्पॉट उनके फैसले हल करके मसले हल करके एक तरीक को भाड़े साहब एक फैसला है वोट पाओ समाजवादी पार्टी नेता बनाओ हमारे एमपी साहब है जो यूपी से आए हैं जी उत्तर प्रदेश से स्पेशल तुमने ऐसे आए हैं इधर ना अनिश राज जी उन तो अपने विचार थोड़े सामने रखेंगे समाजवादी पार्टी है विजयपुर विधानसभा में अपना परचम भी लहरा दिया है और जब इस अनिश देश में जाएगा समाजवादी पार्टियां मजबूत होगी तो आपकी और आपके नेता की बात लखनऊ से लेकर तुम देखो हाईवे बनाने करने के शहर की विकास होता विकास अंदर भी दिखना होता ना कि बंदे का गलिया दिखो क्या होता है उस ऐसे लाके तो रोड नहीं बन रहे कारण बंदा जी बढ़िया दिन है पर बंदा ज्यादा बनता कुछ नहीं है आइए अपने के ऐसी गवर्नमेंट बनाओ कि आज इस बार 10 साल बाद तुम्हें मौका मिले तुमने वोट करने का की फैसला होना है पहली तरीक की वोट पाओ साढ़ा चुनाव निशान है लैपटॉप अगर लैपटॉप वोट पाते हो मैं 100% तुम वादा करूंगा कि आने वाले समय में लेडे जिन्नी भी मुश्किल होने वाले बैठी हुई लगे वो बेचारे गलत फंदे से पवा रहे नशे के पास जा रहे जो रोजगार नहीं वो काम नहीं वो नशे के पास जाना क्या करना है तो ये आप कि ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जैसा कि हम आप जानते हैं कि आने वाले 1 तारीख को हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जिस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन ये एक लोकतांत्रिक देश है लोकतंत्र ही यहाँ पर तय करता है कि कौन राजा होगा इसलिए 1 तारीख को इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आप इतनी परेशानियों के साथ आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं आप अपने बच्चों को किस तरह से अपना पेट काट के उनके स्कूल जाने का इंतजाम करते हैं किस तरह से उनका स्कूल उनकी फीस उनकी ड्रेस उनकी किताबों का इंतजाम करते हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सारे की इकट्ठे लिए चलती है मैं आज थोड़े यही आप ही बड़ी आखना कि एक ऐसा नुमाइंदा चुने हो कि जेड़ा तुम्हारी दुख तकलीफ सुने तुमने घर आइए थोड़ा गल सुने तो समझाए कि अगे अं चलना थोड़े मसले हल कर सके जेड़ा बंदा एम एल ए बनने के बाद 10 साल थोड़े एबी चीज पढ़ता वो कल एम एल ए ठीक है वो थोड़े सामने इन्ने मसले ने चाहे बिजली के मसले ने चाहे रोड के मसले ने एजुकेशन के मसले ने वो हल कर रहे कहते कि एम एल ए का फायदा तुम्हें उन्हें मसले हल नहीं कर रहे एम एल ए का यही करना है वह एम नहीं फायदा कोई हल नहीं असि थोड़े यही आखने अगर समाजवादी तुम्हें जिनी भी 100% तुमने मसले हल करने का अभी वादा करे तुम्हें और 123 स्कूल पाते हैं विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी चो साढ़े इन्हें बच्चे उन्हें अगे पढ़ने के कोई प्रॉब्लम आ गई है वो ही मसले हल करिए उसको अलावा गवर्नमेंट स्कूल की डिवेलपमेंट करिए अच्छा करिए कि जो सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल च पढ़ सकन ये प्राइवेट स्कूल खर्च नहीं हूं गवर्नमेंट स्कूल च पढ़ हूं अजकल बिजली कोई लोगों का इन्ना रोजगार नहीं है तुम्हें तनखा 10,000 है 4,000 बिजली का बिल कुछ दे सकता होता हूं अपना घर चलाना या बिजली का बिल भरने होने जा रहा है शायद ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का आज कमजोर हो गई जब भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हुई है तो उसने यहां पर चुनाव कराने की कोशिश की तब जाकर के यहां पर चुनाव हो रहे हैं
और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की। मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी।